हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज इस वीडियो का जो मकसद है वो है हमारा 10,000 में एक अच्छे से अच्छा मोबाइल खरीदना। तो गाइस, कई बार हमारा बजट 10,000 से कम का होता है, तो हम सोचते हैं 10,000 में बेस्ट से बेस्ट फोन मिल जाए जो तुम्हारी 50-60 हज़ार का फोन की भी टांग तोड़ के रखे। ऐसे ही आज हम तीन फोनों की बात करेंगे जो आपके लिए 10,000 में एकदम बेस्ट है। तो नंबर वन पे जिस हम फोन की बात करने वाले हैं उसका नाम है मोटरोला E40। इसके आपके दो वेरियंट आते हैं, कार्बन और पिंक क्ले। आज मैं आपको बताऊंगा इसकी क्या बेस्ट क्वालिटी है जिससे आप इसको खरीद सकते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं टैक्स से रिलेटेड और अनबॉक्सिंग वीडियो डालता रहता हूँ, ठीक है, इसलिए जल्दी सब्सक्राइब कर। तो जानते हैं इस फोन की क्या क्वालिटी है। देखो, पहली बात तो इसमें 10,000 रुपये में 4 GB रैम मिलती है और 64 GB रोम मिलता है, जो कि बहुत अच्छा है। और जो इसका प्रोसेसर है वो है Unisoc T700, ऑक्टा कोर 1.3 GHz में मिलता है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर है आपके लिए। अगर आप यदि आप इसमें गेम खेलना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट फोन होने वाला है एकदम से, ठीक है। इसके रियर कैमरे की, पीछे की कैमरे की बात करें तो इसमें 48 MP का आपको कैमरा मिलता है, और दो कैमरे और मिलते हैं जो 2 MP के होते हैं। और जो इसका फ्रंट कैमरा हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम इसमें कई रील्स बनाने के लिए वीडियोस बनाते हैं, कई बार ब्लॉग्स बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसका फ्रंट कैमरा है 8 MP का, यानी कि 8 MP का कैमरा बहुत ज्यादा है गाइस, बहुत ज्यादा। आपको मतलब कि इसमें वीडियो एकदम HD क्वालिटी में बनेगी। तो गाइस, अगर इसकी डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले बता दूं 6.5 इंच की HD डिस्प्ले आपको मिलती है इसमें। और बैटरी, सबसे बड़ी बात भाई साहब इसमें आती है बैटरी की, बैटरी कितनी बड़ी है। मतलब इस रेंज में, इस प्राइस में हमें क्या अच्छी बैटरी मिलेगी? जी बिल्कुल, 5000 mAh की आपको इसमें बैटरी मिली है, जो कि बिल्कुल भी कम नहीं, बहुत ज्यादा। इसलिए बैटरी खत्म होने का तो झाड़ा भूल ही जाओ, ठीक है। तो जब आप बॉक्सिंग करेंगे तो इसके अंदर क्या क्या आएगा? देखो, एक तो तुम्हारा चार्जर आएगा, USB केबल आएगी, सिम टूल्स आएंगे और यूजर गाइड्स आएंगे कि आपको कैसे कैसे इसको यूज करना है, ठीक है। और इसकी वारंटी की बात करें तो 1 साल की इसकी हैंडसेट वारंटी है, और 6 मंथ की इसके एसेसरीज की वारंटी। यदि आपकी बैटरी खराब हो जाती है तो उसकी 6 महीने की, अगर आपका फोन खराब हो जाता है तो आपकी 1 साल की वारंटी है। और गाइस, अगर इसकी बात करें सेंसर की, इसमें फिंगरप्रिंट्स रीडर विद फेस अनलॉक मिलता है। आप अपने इसमें फिंगरप्रिंट्स या अपने फेस से अनलॉक कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। तो गाइस, अब आती है इसकी प्राइस कितनी है। तो गाइस, इतने सारे फीचर्स सिर्फ आपको 10,000 रुपए में मिलेंगे। जी बिल्कुल, अगर आप इसे फ्लिपकार्ट पर सर्च करेंगे वहां पर आप इसकी रेटिंग देख सकते हैं, यहां पर पूरे 4.5 स्टार इसको मिले हुए हैं, जो कि बहुत ज्यादा है गाइस। और नीचे अगर आप कमेंट चेक करेंगे तो कमेंट में भी आपको बहुत अच्छे अच्छे कमेंट देखने को मिलेंगे, लोग इसमें अच्छे अच्छे स्टार देने। तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर इस फोन को ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली गाइस। और गाइस, अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेटिव पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब करते हैं हम दूसरे फोन की बात, ठीक है। अभी जाना नहीं है, अभी मैं आपको दूसरा फोन दिखाने वाला हूँ कि आपके लिए दूसरा फोन भी ऑप्शन में है। अगर आप इसे नहीं लेना चाहते तो मैं दूसरा फोन भी दिखाता हूँ। तो गाइज, अब हम जिस दूसरे फोन की बात करने वाले हैं उसका नाम है Poco C31, ठीक है। तो गाइज, अब जानेंगे हम इस फोन की क्या खासियत है जो हमें इसे खरीदना चाहिए। देखो गाइज, पहली बात तो बता दूं, इसकी जो प्राइस है, प्राइस का अगर आपको अगर 10,000 रुपए ज्यादा लग रहे हैं तो उससे कम का, यानी कि कुल 9,000 रुपए में आपको ये फोन मिल जाएगा। अब मैं बताता हूँ इसके क्या क्या फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे। इसमें भी आपको 4 GB रैम और 64 GB रोम मिलती है, जो कि इसमें भी मिल रही थी। और इसमें प्रोसेसर आपको मीडिया टेक मिलता है, जो G35 का, ऑक्टा कोर 2.3 GHz का मिलता है। और बात करें इसके कैमरे की, जो पीछे आपका कैमरा मिलेगा वो 13 MP का मिलेगा आपको, और 2 MP के दो कैमरे और मिलेंगे आपको। और जो आपका फ्रंट कैमरा है 5 MP का मिलेगा। और डिस्प्ले मिलती है आपको HD 6.53 इंच की। और बैटरी की बात करें तो बैटरी आपको 5000 mAh की मिलती है। तो गाइस, अगर डिफरेंस की बात करें तो इन दोनों फोन में कुछ ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, बस कैमरे का थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि इसकी क्वालिटी बहुत कम होगी, इसकी क्वालिटी भी एकदम बेस्ट मिलेगी। आप इसके मुकाबले उस फोन में आपको थोड़ी ज्यादा क्वालिटी मिलेगी, बस इतना ही डिफरेंस। अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है तो आप 10,000 रुपए का सीधे उसे खरीद सकते हैं, वैसे भी 1,000 रुपए का ही अंतर है, ज्यादा तो है नहीं। तो गाइस, यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं, और दो फोनों का मैंने अच्छे से आपको रिव्यू दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, क्योंकि मैं इसमें आपके यूट्यूब से रिलेटेड हर चीज वीडियो डालता रहता हूं। और इसलिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।